नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय डाक विभाग में निकाली गई भर्ती के बारे में, और यहाँ पर दोस्तों ये किस सर्कल के लिए निकाला गया है। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सर्कल के लिए वैकेंसी को यहाँ पर रिलीज किया गया है, और यहाँ पर कुल वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 221 कुल वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्टमैन की निकाली गई है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी को रिलीज किया गया है। अगर दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर सैलरी जो है यहाँ पर दोस्तों 80,000 पर मंथ दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो है वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल हैं, और यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन भरना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इसके माध्यम से सारी जानकारी हम फटाफट जान लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर 100% जेन्युइन इंग्लिश गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही बताया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जो यहाँ पर जारी किया गया है दिल्ली सर्कल द्वारा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत निकाली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर जो है 12 नवंबर 2021 तक आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो पोस्ट मैंने अभी बताया, पोस्टमैन, MTS और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो यहां पर जो वैकेंसी यहां पर निकाली गई है वो मैं आपको यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहां पर जो दोस्तों पूरा डिटेल आप देख सकते हैं यानी कि किस में कितनी वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिवीजन वाइज वैकेंसी को, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर जो है टोटल वैकेंसी अगर आप तीनों को यहां पर ऐड कर देते हैं तो यहां पर 221 वैकेंसी कुल तो है यहां पर निकाली गई है, ठीक है। अलग अलग डिवीजन में ये वैकेंसी जो है यहां पर निकाली गई है, ठीक है। वहीं दोस्तों सैलरी यहां पर आपको सैलरी यहां पर मिल जाता है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते सैलरी यहां पर सैलरी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एज के बारे में यहां पर बताया गया है यानी कि यहां पर जो है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टमैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर जो आपकी उम्र है दोस्तों 18 से 27 साल की उम्र के होने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों उम्र का जो यहां पर जो लिमिट है यहां पर 12 नवंबर 2021 से पहले पहले दोस्तों आपकी जो उम्र है 18 से 27 साल के बीच के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाती है अगर आप किसी SC ST कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर जो है अलग से यहां पर एज में रिलेशन भी मिलता है, आप सभी ये सब जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सारी चीजें आपको बताई गई है। और यहां पर बात करें यहां पर योग्यता की तो यहां पर दोस्तों यहां पर अगर आप पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर 12th यहां पर मांगा गया है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी 12th है और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी 12th है। सिर्फ दोस्तों यहां पर MTS के लिए यहां पर 10th मांगा गया है। अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास दोस्तों 10th होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप जिस भी स्पोर्ट्स में अगर आप यहां पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल यहां पर जो कोई स्पोर्ट्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो दोस्तों वहां पर आपका सर्टिफिकेट यहां पर आपको लगाना होगा, ठीक है। तो यहां पर सारी डिटेल आपको दोस्तों यहां पर पढ़ लेनी है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इस पोस्ट की लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाती है 1 से लेकर यहां पर 64 तक यहां पर जो स्पोर्ट्स की लिस्ट है। अगर इस स्पोर्ट्स में अगर आपने नेशनल, इंटरनेशनल या कोई भी यहां पर जो गेम्स में पार्टिसिपेट किया है अगर इसका सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका है, आप सभी जरूर इसमें यहां पर एनरोल आपको करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म तो इसी जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है यही दोस्तों आपको लास्ट में जाना है, ठीक है। लास्ट में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसी को आपको निकालना है और यही दोस्तों आपको भरना है। जो भी 10वीं की मार्कशीट है उसी के अनुसार सारी डिटेल आपको भरना है, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो लगाना है, यहाँ पर क्लियर बताया गया, क्रॉस सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर करना है। फोटो लगाने के बाद सारी डिटेल आप भरना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपको डालना है यानी कि आपने किस स्पोर्ट्स में यहाँ पर जो है आपने खेला हुआ है और या आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट यहां पर लगाने के बाद आपको जो है दोस्तों यहां पर स्पीच पोस्ट के माध्यम से या सिंपल डाक के माध्यम से आप जो है यहां पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जो सेंड करने की जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई दिया दोस्तों 12 नवंबर 2021 से पहले पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। इसके अलावा दोस्तों सभी के लिए यहां पर जो फीस जो है यहां पर 100 रुपये यहां पर रखा गया है वो भी दोस्तों यहां पर जो है 100 रुपये आपको जो आवेदन शुल्क है वो यहां पर आपको देना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर तो पोस्टल स्टैंप के माध्यम से आप जो है 100 रुपये का जो यहां पर जो है वो बनवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, ठीक है। और यहां पर दोस्तों
इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन किया जाता है या मेरे द्वारा कोई जानकारी छूट गई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।